Hey, what's up guys? Hope you all doing good. My name is Nitin. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप मार्केट में क्रूड ऑयल को ट्रेड कर सकते हैं. काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो हैं क्रूड ऑयल पर मैंने ऑलरेडी पोस्ट की हैं. अगर आप मार्केट में नए हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, देन देयर इज़ अ पर्टिकुलर वॉच लिस्ट फॉर क्रूड ऑयल जिसे आप देख सकते हैं. उसमें आपको कम से कम 5-6 स्ट्रैटेजी जो हैं क्रूड ऑयल को मिल जाएंगी. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे क्रूड ऑयल में आप ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी को समझकर जो है डेली का 8-10-15 पॉइंट आराम से रोज़ाना कमा सकते हैं. डिसिप्लिन काफ़ी ज़रूरी है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप चीज़ों को समझें. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2 कैंडलस्टिक कॉन्फर्मेशंस. कैसे वो कैंडलस्टिक्स काम करती हैं, कहाँ आपको ब्रेकआउट पर मिलेंगी, इस बारे में आज जो है हम बात करेंगे. विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं कि पहला जो सेटअप है वो क्या चाहिए, हमें करना क्या है. स्ट्रैटेजी में आपको बड़े गौर से समझना पड़ेगा. 9 से 2 बजे तक मार्केट में जो है आप कोई ट्रेड नहीं लेंगे. हम सिर्फ जो है एक रेंज को अंडरस्टैंड करेंगे कि मार्केट में क्या 9 से 2 तक हाई रहा एंड क्या 9 से 2 तक लो रहा. जैसे कि आप देख सकते हैं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल 25th ऑफ मार्च को आपका लो प्राइस जो रहा इट वाज 43.59 एंड हाई प्राइस जो 2 बजे तक आपका रहा इट वाज 44.20 के आसपास का. सो नाउ ये हुआ हमारा फर्स्ट इस स्ट्रेटजी का सेटअप. नेक्स्ट सेटअप में हमें क्या चाहिए चलिए देखते हैं. यू लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इस स्ट्रेटजी का जो है सेटअप क्या रहने वाला है. वेरी फर्स्ट थिंग विच यू वुड नीड, जो आपको चाहिए होगी वो आपकी रहेगी 2 हायर हाइज कैंडलस्टिक्स. अब ये हायर हाइज एंड हायर लोज क्या होते हैं, अगर आपको नहीं पता है, आई हैव रिसेंटली पोस्टेड 1 वीडियो फ्यू डेज बैक ऑन प्राइस एक्शन आपका किस प्रकार काम करता है. आपको जो है वो वीडियो का लिंक आई बटन में ऊपर की तरफ मिल जाएगा, आप वो वीडियोस देख सकते हैं. सो वेरी फर्स्ट थिंग इन द स्ट्रेटजी हमें चाहिए 2 ऐसी कैंडल जो हायर हाइज हैं जो बना रही हैं. एंट्री कहाँ लेनी है आप देखेंगे, ये आपकी फर्स्ट कैंडल हुई, ये आपकी सेकेंड कैंडल हुई. जो सेकेंड कैंडल का जो हाई है उसके इस पर्टिकुलर कैंडल का जो हाई है उसके हाई के ऊपर है जो हमें 1 रुपए का बफर देके जो है मार्केट में आप बाय की एंट्री बना सकते हैं. स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, इस पर्टिकुलर कैंडल विच मींस इसके ऊपर हम बाय करेंगे एंड जो हमारा प्रीवियस कैंडल है इसके नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे. ओवरऑल अभी तक हमने समझा कि फर्स्ट सेटअप में हमें क्या चाहिए, चलिए अब इसको हम चार्ट पर देखते हैं. कल का एग्जांपल लेते हैं. कल हमारा 9 बजे जो ओपन प्राइस था इट वाज अराउंड 44.42 9 बजे एंड उसके बाद आप देखेंगे 1:35 पे जो लो उसने लगाया है 43.94. सिंपल आपको सबर कर बैठना है, आपको देखना है कि मार्केट में कब कब जो है आपके पर्टिकुलर लेवल्स के आसपास जो है आपके मन के हिसाब से जो है मार्केट ट्रेड कर रहा है. सो हम क्या करेंगे, पहला आप देखेंगे इस पर्टिकुलर कैंडल ने विच मींस इस कैंडल का हाई था 44.45, इस कैंडल का हाई था 44.42. सो फर्स्ट कैंडल हमारे को एक कॉन्फर्मेशन मिला कि यहां पर कहीं जो है एक ब्रेकआउट हो रहा है. नाउ वी विल वेट एंड सी दैट हमें एक सेकेंड कैंडल मिली जो प्रीवियस इस ब्रेकआउट वाली कैंडल के ऊपर क्लोज कर रही है. सो यहां पर क्या है, हमारा ये सेटअप जो है पूरा होता है. इस कैंडल का जो हाई है इट्स 44.53. आप क्या करेंगे, 44.53 के ऊपर एक बाय की पोजीशन बनाएंगे, स्टॉप लॉस आपका रहेगा 44.30. सो आपकी पोजीशन बन रही है 44.53 पे एंड आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस पर्टिकुलर कैंडल के नीचे. This will be your stop loss. Now, since आपका जो risk है market में it is around 23 points, so जब आप 44.53 के ऊपर आप buy कर रहे हैं, you always have to make sure that कि आपका इस particular strategy की अगर हम बात करें, so ये आपको 8 से 10 points जो है आराम से देगी. Overall,
मेरी इच्छा सिर्फ यही है कि आप किसी भी कीमत पे लॉस में ना जाएं। आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही आपको 8 से 10 पॉइंट दिखते हैं, ईदर यू कैन ट्राई टू बुक द प्रॉफिट और अपने स्टॉप लॉस को एंट्री पॉइंट के पास ले आए, ताकि अगर मार्केट आपका रिवर्सल भी ले तो मार्केट में आपका जो है नुकसान किसी भी प्रकार का ना हो। सो आपने 44.53 के ऊपर बाय जब बनाया, मार्केट ने हाई लगाया 44.75, सो मार्केट ने ऑलमोस्ट आपको जो है 20 से 22 पॉइंट का जो है प्रॉफिट दिया है। सो दिस वाज द एग्जांपल नंबर वन। गाइस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको जो जो चीज पढ़ाता हूँ इट्स मोर देन जेन्युइन, एंड यू ऑलवेज हैव टू मेक श्योर दैट आंखें बंद करके किसी को भी फॉलो ना करें। जो भी चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या कोई और आपको सिखा रहा है, बैक टेस्ट कीजिए लाइव मार्केट में, उस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी का बिहेवियर देखिए, तभी जो है आप मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। मार्केट में पैसा कमाने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर स्ट्रेटजी। कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप उस पर अच्छे से नज़र बना के रखेंगे, एंड यू वुड बी एबल टू सी दैट हाउ दैट स्ट्रेटजी इज बिहेविंग। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं, 7th of April की। आप देखेंगे मार्केट का ओपनिंग जो हुआ, इट वॉज अराउंड 43.70, 2 बजे के आसपास मार्केट ने हाई लगाया 44.39 का, विच इज अ बिग रैली। नाउ आपको क्या करना है, आपको सब्र रखना है, आपको देखना है कि मार्केट में कब वो आपकी डबल ग्रीन या रेड कॉन्फर्मेशन वाली कैंडल्स जो है आपको दिखें। आप देखिए इस कैंडल ने इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर जो है क्लोजिंग दिया है। नाउ दिस इज आवर सेकंड कैंडल जिसका हाई है 44.56। तो हमारे पास क्या है, हमारा जो बेसिक क्राइटेरिया वो यहाँ मीट होता है, एंड हम क्या करेंगे 44.56 के ऊपर बाय की पोजीशन बनाएंगे एंड स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे, विच मीन्स यहाँ पर अगर हम 44.56 के ऊपर बाय कर रहे हैं एंड स्टॉप लॉस अपना लगा रहे हैं 44.13, सो यहाँ पर दो कंडीशंस आती हैं। अगर आपका डेली का रिस्क 15-20 पॉइंट या 25 पॉइंट है, आप इस ट्रेड को जो है अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मार्केट में जो है इतना बड़ा जो है आप रिस्क लें। आप सिंपल अगर रिस्क लेते हैं, जैसा कि हमने बात की है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में आपको डेली के 8-10 पॉइंट जो है इजी मिलेंगे, अगर आप 44.56 के ऊपर बाय की पोजीशन बनाते, सो मार्केट ने यहाँ कहीं हाई लगाया है 44.65 का, विच मीन्स मार्केट ने आपको जो है 9 पॉइंट का प्रॉफिट दिया है 56 से 65। अगर आप थोड़ा सा और वेट करते हैं, मार्केट नीचे आया बट स्टिल सिंस देयर वाज सो मच बाइंग प्रेशर, इस कैंडल में मार्केट ने हाई लगाया 44.66 का, विच इज ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स। फिर मार्केट ने हाई लगाया 69 का, तो ऑलमोस्ट 8-10 पॉइंट्स, जैसा कि मैंने आपको इस स्ट्रेटजी के बारे में बताया है, वो यहाँ मीट होता है। सो ये हमारा दूसरा दिन है बैक टेस्ट में जहाँ हमारे को 8-10 पॉइंट्स इजी मिले। नाउ चलिए 3rd of April, आप देखेंगे मार्केट में ओपन प्राइस जो था इट वाज 43.18। आपको क्या करना है, आपको 2 बजे तक बैठना है, मार्केट की मूवमेंट को सिर्फ नोट करना है। आपने हाई देखा, मार्केट ने लगाया है 43.94 का, एंड लो प्राइस जो हमारा था इट वाज 43.20। आपको क्या करना है, डबल कॉन्फर्मेशन यू हैव टू वेट फॉर। आपने देखा एक कैंडल जो इसके ऊपर कैंडल का जो हाई है इट्स 44.08, तो अगर आप 44.08 के ऊपर अगर आप बाइंग की पोजीशन बनाते, इस कैंडल में जो हाई लगाया है 44.33 का, विच मींस अगेन यहां पर हमारा टारगेट हिट हुआ है तीसरे दिन। काफी जबरदस्त ये चीज काम करती है, प्रोवाइडेड अगर आप इसे अच्छे से समझते हैं। चलिए और आगे देखते हैं क्या होता है 5th of April को। दिस वॉज बेसिकली आवर ओपन एंड हाई प्राइस आपका 45.03। 2 बजे के आसपास जो हमारा लो लगा है इट इज 44.25। गाइस यहाँ पर आप लो प्राइस देख सकते हैं, यहाँ पर आप हाई प्राइस देख सकते हैं। सो जब मैं इस कैंडल पर क्लिक करता हूँ तो ओवर हियर यू वुड बी एबल टू सी दैट 45.03 इज द हाई प्राइस। जब मैं इस कैंडल पर क्लिक करता हूँ यू वुड बी एबल टू सी दैट 44.26 आवर लो प्राइस। सो हमें बेसिकली क्या चाहिए, हमें 2 कैंडल्स चाहिए, या रेड या ग्रीन फॉर आवर एंट्री। अगर हम सेल करना चाह रहे हैं देन दिस हैज टू बी आर रेड कैंडल्स। सो यहाँ पर आप देखेंगे इस कैंडल ने इस पर्टिकुलर हमारे लो को जो है ब्रेक किया है।
तो यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्फर्मेशन आया है, दूसरी कैंडल हमारे पास ये थी, बट आप देखेंगे इस कैंडल के नीचे जो है कोई भी कैंडल नहीं गई एंड मार्केट ने एक रिवर्स ले लिया। सो हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा नुकसान होने से बच गया। नाउ यू कैन मार्क दिस पर्टिकुलर लो 4410 एंड आप देखेंगे मार्केट ने जब 4410 यहाँ पर कहीं तोड़ा है, सो मार्केट ने लो लगाया है 4383। सो 4410 के अगर नीचे आप सेल करते तो मार्केट ने लो लगाया 4383। सो अगेन ओवर हियर आपको जो है ऑलमोस्ट 27-25 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। एंड इन द स्ट्रेटजी आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट कैसे आप इंडिपेंडेंटली मार्केट में 8-10 पॉइंट रोजाना कमा सकते हैं अंडरस्टैंडिंग स्टॉक फर्स्ट ऑफ अप्रैल। आप देखेंगे मार्केट में ये पर्टिकुलर लेवल, आप देखेंगे अगर मैं इस कैंडल पर क्लिक करता हूँ, यू वुड सी दैट ओवर हियर लो प्राइस 4356 वाज अ लो प्राइस। 2 बजे के आसपास यू वुड सी हाई प्राइस ओवर हियर, हाई प्राइस वाज 4356। आप देखेंगे जो हमने रूल डिसाइड किया है कैसे जो वो है आपके स्टॉप लॉस जो है हिट होने से बचाएगा, प्रोवाइडेड अगर आप मेरी कही चीज़ों को अच्छे से समझते हैं एंड फॉलो करते हैं। मार्केट ने यहाँ कहीं हाई लगाया 4359। नाउ वी नीड टू हैव अनदर कैंडल जो इस कैंडल का हाई ब्रेक कर रही है एंड जो कैंडल उस हाई को ब्रेक कर रही है 56 को, उस कैंडल के ऊपर जो है हम बाय करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास एक कैंडल आई 4359 का हाई लगाया, बट आप देखेंगे यहाँ कहीं दोबारा एक हायर हाइज की फॉर्मेशन जो है नहीं हुई है। मार्केट ने एक रिवर्सल लिया, मार्केट नीचे गया, हमारा लो प्राइस था 4355। सो मार्केट ने यहाँ कहीं जो लो लगाया है, आप यहाँ कहीं देखेंगे लो लगाया है 4347, बट यहाँ पर हमें एक कैंडल और चाहिए थी जो इस पर्टिकुलर लो को जो है ब्रेक कर रही थी। सो आप यहाँ पर फेक आउट होने से मार्केट में अपने पैसे को बचा पाएंगे। मार्केट में दो चीज़ें आपकी काम करती हैं, एक होता है ब्रेकआउट, जब मार्केट आपका एक रैली पकड़ता है तब वहाँ से एक ब्रेकआउट की शुरुआत होती है, लेकिन मार्केट में जब जब स्टॉप लॉस हंटिंग होती है वहाँ पर आपके फेक आउट होते हैं। सो यहाँ पर ये क्या है, फेक आउट है, 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 दिस इज कॉल्ड अ रियल ब्रेकआउट। जब मार्केट आपका दो इजी आपके कैंडलस्टिक के हमें कॉन्फर्मेशन, जैसे आप यहां देखेंगे मार्केट ने इस पर्टिकुलर कैंडल को ब्रेक किया, इस हाई को ब्रेक किया, दूसरी कैंडल का हाई था 4468। नाउ हमें 4468 के ऊपर जो है एक बाइंग की पोजीशन बनानी थी जो यहां पर नहीं बनी। यहां पर देखिए मार्केट में यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट ने जब इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक किया है, इस कैंडल ने आपका इस हाई, मतलब हमारा 2 बजे की जो कैंडल स्टिक की स्ट्रेटजी है, इस कैंडल ने उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, इस कैंडल ने उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो हमारा बाइंग पॉइंट बनता है इस कैंडल स्टिक के ऊपर, विच मीन्स 4480 के ऊपर हम बाई करेंगे। स्टॉप लॉस हम प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे लगाएंगे, सो आपका रिस्क जो निकल के आता है ऑलमोस्ट 35-40 पॉइंट। इन केस इफ यू थिंक यू कैन अफोर्ड इट देन डेफिनेटली यू आर मोर देन वेलकम, आप जो है इजी ट्रेड कर सकते हैं। आप देखेंगे 4480 के ऊपर मार्केट ने 4520, विच मीन्स बड़े ध्यान से समझिए, मार्केट में जितना आप रिस्क लेते हैं दैट हैज़ टू बी योर फर्स्ट टारगेट। सो मार्केट ने आपको एग्जैक्ट 40 पॉइंट्स का टारगेट दिया है। नाउ Everything depends how well you understand the strategy. Market में हर एक strategy, market में हर एक indicator जो है पैसे देता है, सिर्फ आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए। जब आप देखेंगे कि मार्केट में ये 9th of April का डाटा है, मार्केट ने हाई लगाया 4476, मार्केट ने लो लगाया 4430। आप देखेंगे मार्केट ने यहाँ कहीं इस कैप प्रीवियस लो का एक नीचे ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, बट यहाँ पर आपके पास एक हायर लोज जो है नहीं रहा। मार्केट ने यहाँ 4420 मारा 4430 के नीचे, विच इज अगेन 10 पॉइंट्स प्रॉफिट, बट हमें एक हायर लोज और चाहिए जिससे हमारी एंट्री जो है आपका डिसाइड हो सके, वो यहाँ नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला एंड यहाँ नहीं मिला। सो ओवरऑल
यू हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर माइट बी फ्यू डेज जब आपको एंट्री ना मिले। एक दो दिन ऐसे भी जा सकते हैं जब आपका मार्केट में स्टॉप लॉस लगे, 15-20 पॉइंट का नुकसान हो जाए, बट दिस स्ट्रैटेजी वर्क्स वेरी वेल। यू हैव टू अंडरस्टैंड, आप देखेंगे अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में हैं तो हमने 44-54 के आसपास जो है शॉर्ट बोला, 44-76 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाया एंड मार्केट ने 44-20 का जो लो बनाया है। सो गाइज, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, एक स्ट्रैटेजी को समझना एंड मार्केट की डीप नॉलेज होना आर बेसिकली टू डिफरेंट थिंग्स। आप देखेंगे पिछले 7-8 महीने में क्रूड ऑयल में हमारा एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हमने लॉस में क्लोज किया हो। सो इन केस इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में डीप नॉलेज को कैसे लिया जाए, मार्केट में प्राइस एक्शन, पैटर्न ट्रेडिंग, कैंडल स्टिक, इमोशंस, सेंटिमेंट्स किस प्रकार समझे जाते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमारा कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इन केस इफ यू वांट टू लर्न फ्री ऑफ कॉस्ट, आई कीप पोस्टिंग न्यू वीडियोस एवरी नाउ एंड देन ऑन माय यूट्यूब चैनल, आप उन वीडियोस को देखिए, काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस हैं, आपको सारा अच्छा कंटेंट एंड जेन्युइन कंटेंट वहाँ पर मिलेगा। बट इन केस इफ यू प्लान कि आप मार्केट को सीखने के लिए सीरियस हैं, आप हमारा इनकेस इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप हमारे प्राइस एक्शन कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर डिटेल्स भी जो है देख सकते हैं। सो नाउ वी आर लेफ्टेड ओनली वन थिंग, प्रैक्टिस कीजिए, किसी भी स्ट्रेटजी को, किसी भी बंदे को आंखें बंद करके फॉलो ना करें, उस स्ट्रेटजी को समझें, कम से कम 2-3 महीने का डाटा जो है चेक करें। होगा क्या, व्हेन यू बैक टेस्ट एटलीस्ट 2-3 मंथ्स डाटा, आपके पास एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी। यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास 70 ट्रेड आए, 70 में आपके 55 ट्रेड जो है सही गए। सो व्हेन यू हैव दिस सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटजी जो आपको 70 में से 50 या 55 ट्रेड आपके सही दे रही है, सो आपको पता चल जाएगा कि अगर आज से 3 महीने पहले मैंने मार्केट में इस स्ट्रेटजी के बेस पर इतना पैसा लगाया होता, सो आज मेरा पैसा जो है दुगना या उसका 1.5 गुना हो चुका होता। सो इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड बैक टेस्टिंग एंड चेकिंग ऑल दोज थिंग्स इन लाइव मार्केट। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एंड वन थिंग, अगर आप क्रूड ऑयल की और भी स्ट्रैटेजीज देखना चाहते हैं, देयर इज अ पर्टिकुलर प्लेलिस्ट जो मैंने यहाँ पर बनाई है क्रूड ऑयल स्ट्रैटेजीज की, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी एंड आप वहाँ पर भी और यूट्यूब पे स्ट्रैटेजीज जो है हमारी बनाई हुई देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।